एक बड़ी खबर जो आई है कल शाम को उसके बारे में समझते हैं, और ये है आरबीआई की तरफ से रुपए कर एक बड़ा एक्शन। विदेशी व्यापार करने की इजाजत अब आरबीआई आपको रुपए में दे रहा है, यानी कि अगर आप बाहर से कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं या यहां से कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसका सेटलमेंट डॉलर के मुकाबले अब आप रुपए में भी कर पाएंगे। तो ये बड़ा एक्शन आया है, क्या है इसके मायने, किस तरह से किया जाएगा इसको इम्प्लीमेंट और क्या हो सकते हैं इसके फायदे, आइए समझते हैं इसके बारे में। एलिमेंट प्लेटफॉर्म के चेयरमैन और ग्लोबल मार्केट एक्सपर्ट अजय बग्गा साहब हमारे साथ तैयार हैं। बग्गा सर, गुड मॉर्निंग, जरा समझाएं एग्जैक्टली आरबीआई ने क्या एक्शन लिया है और इसके क्या मायने हो सकते हैं हमारे इम्पोर्टर एक्सपोर्टर्स के लिए एंड ऑफकोर्स रूपी के लिए इस समय। सर जी देखिए, ये ज्यादातर वैसा ही है जैसे सोवियत यूनियन के साथ हमारा रुपी रूबल ट्रेड होता था, जबकि भारत के पास फॉरेन एक्सचेंज इतना नहीं होता था, तब रशिया हमें अलाउ करता था रुपी रूबल में। तो ये नहीं है कि सारा हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट रुपए में तब्दील हो जाएगा, ये केवल उन इंस्टेंसेस में है जहां के सामने वाला काउंटर पार्टी ऐसे देश में है जो कि स्विफ्ट सिस्टम से आपको एक हार्ड करेंसी में ट्रेड नहीं कर सकता, उसके लिए भारतीय बैंक एक रुपए का अकाउंट खोल देंगे जो हम वॉस्ट्रो अकाउंट कहते हैं, डॉलर अकाउंट नॉस्ट्रो होता है इसको वॉस्ट्रो कहते हैं। तो रुपए अकाउंट में वो जो हम इम्पोर्ट कर रहे हैं उसमें हम पैसे डाल सकते हैं और वहां से उस देश में जा सकते हैं रुपए, या फिर अगर उस देश के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट है आपका तो एक नेट सेटलमेंट हो सकता है जी। तो ये रशिया के साथ जो ट्रेड है उसमें बहुत हेल्प करेगा, बट होप यही है कि हमारा जो इमर्जिंग मार्केट्स के साथ ट्रेड है, जैसे अफ्रीकन देश हो गए, या कल को अगर गल्फ की कंट्रीज अलाउ करती है तो रुपया एक्सपैंड हो सकता है। तो आशा बहुत है कि ये एक बड़ी चीज बन सकती है आगे जाके, सेंटिमेंटली रुपए के लिए पॉजिटिव है, थोड़ा हमें हेल्प करेगा, बट ज्यादातर रियलिस्टिकली ये रशिया ट्रेड के लिए है। सर आप कह रहे हैं कि मतलब रशिया के साथ ट्रेड और आसान हो जाएगा, बट बाकी देशों के साथ भी अभी इंप्लीमेंट कर पाएंगे अगर सामने वाला देश भी तैयार हो, और क्या इससे रुपये को थोड़ी स्ट्रेंथ मिल सकती है? जी बिल्कुल, तो अगर सामने वाला देश तैयार हो, जैसे चाइना ने युआन किया है और काफी देश अब चाइना के साथ करते हैं, और कमोडिटी ट्रेडिंग भी शंघाई एक्सचेंज पे युआन में अब कोट हो जाती है। क्या होता है, जैसे कल यूएस डॉलर 108 के हाईएस्ट लेवल पे पहुंच गया, तो इसके साथ ये हो जाता है कि आपका कमोडिटी प्राइसेस भी पे इम्पैक्ट आता जाता है, और इंडिया जैसा देश जो 85% हम तेल अपना आयात करते हैं तो उसके कारण हमारा एक इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन आ जाता है। बट आप रुपी में ट्रेड करेंगे तो ऐसा नहीं है कि डॉलर की स्ट्रेंथ के कारण आप इन्फ्लेशन लेके आ रहे हैं, तो ओवर टाइम भी इसमें बहुत पोटेंशियल है। तो अगर सामने वाला देश तैयार हो और हमारा इंपोर्टर या एक्सपोर्टर रुपए में तैयार हो तो हो सकता है। काफी कानून इसमें आएंगे क्योंकि जैसे आरबीआई सर्कुलर भी 3 पेज का सर्कुलर है, उसमें 5-6 एक्ट उन्होंने कोट किए हैं जहां सेटलमेंट होगी, तो ये एक आध महीना लगेगा कि पूरा चीज अच्छी तरह निकल आए। बट एटलीस्ट रशियन ट्रेड, कजाकिस्तान वगैरह जितने CIS कंट्रीज हैं, जितने SCO कंट्रीज हैं, शंघाई कोऑपरेशन के जो भी कंट्रीज हैं उनके साथ, और SARC में जो कंट्रीज हैं पाकिस्तान को छोड़ के, आई थिंक जितने बाकी SARC के देश हैं उनके साथ ये एकदम से शुरू हो सकता है, तो काफी पॉजिटिव मूव है। तो बड़ी पॉजिटिव मूव है और आसपास के देशों के साथ इजीली इंप्लीमेंट कर पाएंगे और आगे भी इसको एक्सपैंड करने की भी संभावना है। बहुत बहुत शुक्रिया बग्गा साहब आज सुबह सुबह हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बड़ी खबर पर अपना व्यू देने के लिए और समझाने के लिए कि एग्जैक्टली इसके क्या मतलब है।